नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी फसल गेहूं की फसल आपकी 60 से 90 दिन के बीच हो चुकी है, पहला 70 80 90 दिन के बीच में आ चुकी है किसान भाइयों, और आप भी अपनी गेहूं की फसल से अच्छी बाली निकालना चाहते हैं, दाने का भराव अच्छा रखना चाहते हैं, बाल की लंबाई अच्छी रखना चाहते हैं, अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें आप। तो किसान भाइयों, हमारी फसल अगर 60 से 90 दिन के बीच हो चुकी है गेहूं की, और हमें अधिक उत्पादन लेना है, बाली की साइज को बढ़ाना है, बाली की साइज बढ़ जाए, चौड़ी हो जाए, उसमें दानों का भराव पूर्ण रूप से आ जाए और दाने का साइज मोटा हो जाए, दाने में चमक आ जाए, तो इसके लिए किसान भाइयों हमें एक स्प्रे करना होगा। इस स्प्रे के करने से किसान भाइयों आप इस अपने गेहूं की फसल में देखेंगे कि बालियों की लंबाई आपको देखने को मिलेगी, अधिक लंबाई, दाने का साइज का अधिक भराव होगा, बाली की भराव दाने का भराव अधिक होगा, साइज उसका मोटा होगा, चमक होगी और आपका उत्पादन भी डेढ़ गुना बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों आपको इसमें 0-52-34 का प्रयोग कर देना है, एनपीके 0-52-34 का आप प्रयोग करते हैं तो इसमें 52% फास्फोरस मिल जाएगा और 34% पोटास मिल जाएगा। 0-52-34 यानी कि एनपीके में आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा उपलब्ध कराता है, जिससे कि किसान भाइयों हमारी फसल में गेहूं की मात्रा में जो फास्फोरस की मात्रा रहती है वह गेहूं में बालियों की साइज को बढ़ाएगा, दानों को बढ़ाएगा और तने की मजबूती देगा, जिससे कि हमारी फसल गिरेगी नहीं और दाने का साइज भरकर आएगा, दाने में मोटापा आएगा और वजन भी बढ़ेगा। अब जो इसमें पोटास रहता है किसान भाइयों, बहुत तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी देगा और चमक भी पैदा करेगा बालियों में, और इसमें गेहूं में साइज में परिवर्तन लाएगा, आपके अधिक उत्पादन में मदद करेगा। अगर किसान भाइयों आप लेना चाहते हैं इसी प्रकार की और भी अन्य जानकारियाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। नमस्कार किसान भाइयों।